जब नदी हो ना वो नदी का पानी कौन पीते हैं? उनको पास में जो चाहे उसको ही मिलता है। लेकिन वही नदी का पानी जब कादंब मेघ बन जाए, जब मेघ बन जाए क्या होता है? अरे साहब दुनिया को है पात्र पात्र, जैसे महाप्रभु पात्र पात्र उन्होंने कोई विचार नहीं किया, सबको उन्होंने प्रेम प्रदान किया। लेकिन वो जो मेघ रूप बन जाती है वो हर जगह में बारिश होती है। बन महाराज जी है, कहा है बन महाराज जी? आ जाओ इधर। बोलो बन महाराज की महाराज जी कृपा कृपया बधाई स्वागत इसलिए कहते वो जो बाहरी से रूप धारण करता है ना, कहते वो प्रेम क्या करता है, वो सबको वो प्रेम प्रदान कर सबको देते हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु ने उन्होंने क्या किया, इसलिए जिसके लिए कहते हैं मन गौरंग बिना नहियार ए नावतार अब की होए छे ए न प्रेमा परचार आधुर मति अति पतित पासनी प्राणी न हारी लारे हरि नाम दिया हृदय सोधिला चाची दिया घरे कारे ए मान गौरंग बिना नहीं आर। इसी भजन में महाप्रभु का वदान्यता को वर्णना करते हैं। बोले महाप्रभु जैसे अवतार कभी हुए नहीं, कभी हुए नहीं, कभी कभी होएंगे ऐसे अवतार हैं। कहते दुर मति अति पतित पाषंडी दुर्मति पतित दीनहीन, उन्होंने किसी चीज को उन्होंने विचार नहीं करते हुए जो प्रेम के लिए ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी कठोर, अभी तक भी माँ लक्ष्मी जहाँ पर बैठी करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अभी भी लक्ष्मी जहाँ पर बैठ करके अभी भी कठोर तपस्या कर रही है जो प्रेम को प्राप्त करने के लिए महाप्रभु प्रेम को आसानी से दिया। उन्होंने कोई विचार नहीं किया, उन्होंने आसानी से उन्होंने प्रदान किया है। इसलिए केवल इतना नहीं वो तो दिया ही है, लेकिन उनको एक एक भक्तों के द्वारा उन्होंने जो दिया है, कहते श्री राय रामानंद के द्वारा उन्होंने क्या प्रदान किया, रसधारा बनता है। जो राय रामानंद संवाद में जहाँ पर महाप्रभु प्रश्न करते हैं और जहाँ पर राय रामानंद उत्तर देते हैं, कभी ये इतने अद्भुत प्रसंग है। आप कहीं पर जाओ किसी संप्रदाय में रस रस ही जानते हैं, पता नहीं शांत रस किसको कहते हैं, दास्य रस किसे कहते हैं, सख्य किसको कहते हैं, ये बात्सल्य रस क्या है और ये मधुर रस किसको पता नहीं, रस रस ही जानते हैं। लेकिन ये राय रामानंद इतना एक अद्भुत एक संवाद है जिसमें रस की चमत्कारिता, जिसमें गोपी प्रेम मुस्कुराकर में राधा जी की प्रेम, उसी प्रेम में भी उन्होंने जो प्रश्न उत्तर कर करके महाराज कह रहे थे ना, सखिया किया परज्ञा किया धृत स्नेह किया मधु स्नेह किया तदीयत किया मदीयता किया, ये जो एक एक जो शब्द उन्होंने ये उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में जो अद्भुत रूप में प्रकाशित किया, ये किसी संप्रदाय में उपलब्ध नहीं। जब तक गुरु जी कहते थे जब तक आप
ये राय रामन का संवाद आप नहीं पढ़ते है ना, आप नहीं बता सकते हम गौड़ी या वैष्णव है। केवल तिलक कंठी लगाने से नहीं होता है, ये तिलक कंठी लगाने से नहीं होता है। इसलिए अभी बता रहे थे ना, जब तक गुरु जी के हृदय को नहीं जानते हैं, शास्त्र के विचार को अंदर में प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक केवल कंठी तिलक से काम नहीं चलेगा। इसलिए ये सारे रस में प्रवेश करना पड़ेगा। केवल इतना नहीं, रूप गोस्वामी उसके लिए क्या उदाहरण दिया है, हाई लव बिजली आकाश मतलब मेघ तो वैसे सुंदर दिखती है, लेकिन जब उसमें बिजली चमकती है उसमें और भी सुंदरता बढ़ जाती है। इसलिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के लिए बिजली शब्द प्रदान की, और श्री सनातन गोस्वामी ने जो हमारी संप्रदाय में जो उन्होंने बृहद भागवत अमृत ग्रंथ रचना किया, गुरुदेव जिस ग्रंथ गुरु जी की अत्यंत अत्यंत प्रियत है ये बृहद भागवत अमृत। इसलिए मथुरा में था, मैंने दो दो बार गुरु जी से ये बृहद भागवत अमृत ग्रंथ को श्रवण किया है। जब तक ये बृहद भागवत कथा तो कोई नहीं सुनता है ना भैया, रस में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए ज्ञानी भक्त किसको कहते हैं, शुद्ध भक्त किसको कहते हैं, प्रेमी भक्त किसको कहते हैं, प्रेमा पर किसको कहते हैं, अरे प्रेमातुर भक्त किसको कहते हैं, प्रेमातुर भक्त उद्धव को। लेकिन उद्धव जैसे व्यक्ति जब ब्रज में आए और जब उन्होंने गोपी प्रेम का दर्शन किया, जहाँ पर कहते ना उद्धव शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल, और ज्ञान बजाई डुगडुगी बाजे बाजे प्रेम की ढोल। जहाँ पर उद्धव जैसे व्यक्ति ब्रज में आकर के गोपियों की चरण की धूल को और राधा जी की बंदे नंद ब्रजस्त्री राम पाद रेणु अभिक्षणक संग, जहाँ पर केवल एक चरण की धूल को वंदना करते हैं, और किसकी चरण की, सिमल श्री राधा जी की चरण की धूल को वंदना करते हैं। इसलिए महाप्रभु जो सनातन गोस्वामी को द्वारा ये जो वस्तु मैंने प्रदान किया, ये एक अद्भुत हमारी संप्रदाय के लिए एक अद्भुत ग्रंथ है। बोले कृष्णदास कविराज उनको द्वारा उन्होंने क्या प्रदान किया, बोले कृष्णदास कविराज रसे रभंडारी जतने राखिल प्रेम महाप्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी के लिए उनको द्वारा क्या उन्होंने किया, उन्होंने उदाहरण देते हैं कृष्णदास कविराज, उनका नाम ही कविराज है, मतलब क्या, कवियों में जो सबसे बड़े राजा है, कवियों में जो सबसे बड़े राजा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इनको द्वारा उन्होंने जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को जो महाप्रभु ने प्रकाश करवाए। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ, किस समय प्रभुपाद ने प्रश्न करते हैं, बोले बताओ तो ऐसे कौन सा एक ग्रंथ है, अगर ये दुनिया में जो एक ग्रंथ रहे सारे ग्रंथ की अभाव को पूर्ण करेगा एक ग्रंथ, बोलो कौन बोलेगा। किसने कहा श्रीमद भागवत, किसने कहा चैतन्य भागवत, किसने कहा वेद, किसने कहा भगवत गीता, किसने कहा भगवत गीता। लेकिन श्री प्रभुपाद ने कहा नहीं, ये चैतन्य चरितामृत और जो श्रीमद भागवत ग्रंथ है तो ऐसे ग्रंथ है जो सबसे अनमोल। लेकिन अगर ये श्रीमद भागवत ग्रंथ भी जगत से अंतर ध्यान हो जाए, केवल अगर चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ अगर जगत में रहेगा तो पृथ्वी का जितने सारे ग्रंथों को एक ग्रंथ ही इसकी अभाव पूर्ण करेगी। ये चैतन्य चरितामृत इतने के दिव्य ग्रंथ है। इसलिए गुरुदेव विशेष करके कहते हैं उसमें जैसे श्रीमद भागवत में रास पंचाध्याय जैसे पंच प्राण है, उसमें पंच प्राण है रास पंचाध्याय, गुरुदेव कहते थे चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में भी पांच जिसमें विशेष कमी थी, कौन सा है, एक श्री रूप शिक्षा, दूसरा श्री सनातन शिक्षा, तीसरा श्री रथ यात्रा, चौथा श्री राय रामानंद संवाद, और पंचमा महाप्रभु के साथ में श्री सार्वभौम भट्टाचार्य का जो डिस्कशन है। गुरुदेव कहते थे उसमें जो पांच जो टपिक है अद्भुत, ये पांच टपिक है, मानो ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में पांच टपिक नहीं ये पंच प्राण है। इसलिए महाप्रभु ये कृष्णदास के अभी सिद्धांत के बाद अभी हमारे श्री संजय प्रभु श्री जो बात कह रहे थे ना वो कहाँ से कह रहे थे, अब पता है कौन से ग्रंथ से बोल रहे थे, ये सब के सब चैतन्य चरितामृत का तैयारी है, चैतन्य चरितामृत का सारे प्यार उससे ही बोल रहे थे। महाप्रभु का जो अवदान है जो अंतिम इसका जो पाठ है उस सारे में राधा रानी को दिव्य प्रमाद चित्र जल्प अभिजल्प प्रजल्प संजल्प है, जो महाप्रभु का जो दिव्य प्रमाद की किंचित भाव, ये सब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने
ये सब दिग्पद भाव को ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में मैंने उसी ग्रंथ को मैंने लिखा, अद्भुत ग्रंथ है। इसलिए महाप्रभु जगत में उनका जो अवदान है वो अद्भुत अवदान है। इसलिए समझो हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, हम लोग कौन सा संप्रदाय में आए, श्रीमान महाप्रभु की धारा में आए, ये तो सबसे बड़ा भाग्यवान। लेकिन इससे भी एक बहुत बड़ा भाग्यवान है, आप बता सकते हो भाग्यवान क्या है, बोलो कौन बोलेगा। हम लोग ने श्री गुरु जी की शरण में, श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की हम लोग शरण में आए, ये सबसे बड़े भाग्यवान है। सचमुच से आप लोग की चीज को कितना समझ रहे हो आप समझते होंगे, लेकिन ये चीज को मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं जब वृंदावन में था ना सब वैष्णव का गोष्ठी बताते हम लोग भी जाते थे, लेकिन जब हम गुरु जी के विचार को एक बोलते थे, गुरु जी की जब हरिकथा बोलते थे ना वो लोग समझ जाते थे। अगर कोई बढ़िया विषय पर बोलता है जब तक श्री नारायण गोसाई महाराज की संग हरिकथा नहीं कोई नहीं सुने इस विचार कोई बोल नहीं सकता है। ये लोग को पता चले जाता था जरूर ये श्री नारायण महाराज से कोई संबंध है। अगर कोई इतने अगर कोई सिद्धांत तत्व शास्त्र की गंभीर की बात बोलते थे वो समझ जाते थे जरूर ये नारायण महाराज के संबंध में ये लोग आए हैं, नहीं तो इस विचार को कोई बोल नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग की कथा सुन करके सब लोग बड़े आश्चर्यचकित होते थे, कितने छोटे छोटे बच्चे और केवल हमारे जो महाराज है ना सचमुच से हम सारे गौड़ी मठ में गए हमने देखा है ये जो महाराज जी अगर किसी मठ में कोई दो श्लोक याद करने लग जाए शास्त्र ग्रंथ में सब सब टांग पकड़ कर भेजना शुरू कर देते सब कसोगी हम सबसे आगे नहीं बढ़ जाए। लेकिन केवल एक जगह पर हमने आकर के देखा केवल श्री महाराज जी को पास में आकर देखा मथुरा में महाराज सब हरिकथा सिखाया करते थे, जिसको जितने शास्त्र सिद्धांत तत्व में प्रवेश होता था गुरुदेव उसको ज्यादा प्रशंसा करते थे, उसको गुरुदेव ज्यादा प्यार करते थे। हमने देखा केवल एक नारायण गोस्वामी महाराज महाराज को पास में आकर ये चीज हमने देखा और हमने कहीं ये चीज नहीं देखी, केवल महाराज के पास में। तभी तो हमने देखा सारे गौड़ी मठ में एक वक्ता मिलना बड़ा कठिन है, सारे गौड़ी मठ में एक कोई अच्छी कथा सुनना कठिन है, लेकिन हमारे मंदिर में एक से एक बढ़ करके अब देख रहे हैं एक से एक। हमारे सन्यासी को बात छोड़ दो, सन्यासी लोग तो एक है ही है, लेकिन हमारे ब्रह्मचर्य जैसे अभी बंसी बदन लोग कथा सुन रहे थे है? विजय प्रभु जी कथा सुना रहे थे, रामचंद्र प्रभु जी और हमारे धीर कृष्ण प्रभु जी कथा सुना रहे देख रहे थे। ये कितने संस्कृत मंदिर में ये लोग ब्रह्मचारी है, लेकिन इनकी बात छोड़ दो जो हमारे गृहस्थ गुरु जी की जो गृहस्थ भक्त है यहाँ पर एक एक अनमोल रत्न बैठ हुई, अगर इनको खड़ी कर दो ना पता नहीं क्या कर देंगे, यहाँ पर बैठी हुए सभी लोग चुप करके बैठे हुए इतने गुरु जी की जो गृहस्थ और जो स्त्रियों में है गुरु जी को जो स्त्री गृहस्थ में जो स्त्रियां वो भी जरा दुनिया उमा देती है, देखो है कि नहीं उमा देती है आज चुप कर बैठी हुई उमा दीदी का देखो और हमारे श्याम रानी दीदी का देखो और हमारे चाल चंद्र का दीदी यहाँ बैठी शांति दीदी भी देगी आप। इसलिए गुरुदेव का जो गृहस्थ में गृहस्थ भक्त में जो मंगल होंगे ना और खुरना यहाँ पर सब बहुत सारे विष्णु प्रभु जी और यहाँ पर बाली तो बहुत सारी प्रभु जी बैठेंगे प्रकाश प्रभु जी देखो इन लोग भी सारा दुनिया में महाप्रभु की वाणी को जो गृहस्थ में रहते हैं इनकी कथा भी सुन सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो कि श्री गुरु जी की श्री चरण में हम आए हैं, ये सबसे बड़े हमारे भाग्यवान और समाधि में बैठ करके और उनकी श्री चरण में बैठ करके उनकी अवतार उनकी वैशिष्ट महाप्रभु जी की विचार को जो सुन रहे हैं हम लोग बड़े भाग्यशाली है। गुरुदेव हम सबको पर कृपा करें जैसे हम इनकी अनुगत्य में गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए जीवन को हम बिता पाए। ठीक है बच्चा अभी हमारे बन महाराज जी कृपा करके बता रहे हैं बन महाराज जी थोड़ी सी आप सबको